नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। सारंगढ़ जिले से धर्मांतरण को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। इस कड़ी में एक बार फिर सारंगढ़ से धर्मांतरण को लेकर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला यह दावा करते नजर आ रही है कि प्रार्थना और आराधना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। मामले को गंभीरता से तब लिया गया जब यह पता चला कि यह वीडियो एक वृद्धा आश्रम से वायरल हुआ है। दरअसल सारंगढ़ जिले के ग्राम कुदरी में स्थित वृद्धा आश्रम में एक वीडियो वायरल होने के बाद सारंगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सर्व हिंदू समाज ने हल्ला बोला है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो ग्राम कुदरी में स्थित वृद्धा आश्रम श्यान सदन का है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि महिला यह बोलते दिख रही है कि प्रार्थना करने से लोगों को चंगाई मिलती है। इस दौरान महिला के अगल बगल में कुछ वृद्ध महिला और पुरुष भी देखे जा सकते हैं। पूरे घटनाक्रम का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सारंगढ़ सर्व हिंदू समाज द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही वृद्धा आश्रम को मिलने वाली शासन के तरफ से अनुदान राशि को भी बंद करने की मांग की गई है। वहीं इस मामले में संयुक्त कलेक्टर एसके टंडन ने कहा कि सर्व हिंदू समाज द्वारा धर्मांतरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला बाल विकास को जांच करने का आदेश दिया गया है। मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये सर्व हिंदू समाज सारंगढ़ द्वारा दिनांक 11/9 को एक आवेदन दिया कि ग्राम कुदरी में सियान सदन है, वहाँ के जो कार्यकर्ता द्वारा लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा शिकायत किया गया है, जिसकी जांच हेतु हमने महिला बाल विकास अधिकारी को भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद क्या वास्तविकता है इसके आधार पे कार्रवाई। मामला ये ग्राम कुदरी का मामला है जहां वृद्धा आश्रम है। इलाज के बहाने से धर्मांतरण का वहाँ पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके कारण से सर्व हिंदू समाज की ओर से वहाँ कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन सौंपा गया था। उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि वृद्धा आश्रम के लिए शासन से अनुदान राशि भी मिलती है, उसको गलत कार्य के लिए, धर्मांतरण के लिए जो उपयोग किया जा रहा है वो सरासर गलत है। इसके ऊपर तत्काल से तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और उस समिति को भंग कर देनी चाहिए।